हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फटा रोड। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। रीडिंग करंट एनर्जीज के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए, सॉरी करंट फीलिंग्स नहीं, आज अनएक्सपेक्टेड टैरो, पता नहीं क्यों वही दिमाग में चल रहा था। तो अनएक्सपेक्टेडली इस हफ्ते, बेसिकली ये वीकली रीडिंग है कि जहाँ पे इस हफ्ते का पॉसिबिलिटीज़ क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है। पॉजिटिव के लिए हमें एक्सेप्ट करने के मोड में होता है, जैसे कि कोई तीज त्यौहार आता है तो हम जैसे घर की सफाई करते हैं, हम लोग वेलकमिंग एटीट्यूड में रहते हैं ना, बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं और सब चीज़, वैसे ही हमें पॉजिटिव चीज़ों के लिए अट्रैक्ट होना ज़रूरी होता है। तो नेगेटिव चीज़ें के लिए भी अपने आप को प्रिपेयर करना होता है कि चलो मान लीजिए कि होना ही है तो क्या उससे अवॉइड किया जा सकता है, इसलिए यूनिवर्स ने ये चीज़ हमारे सामने रखी है, या फिर इसको कैसे मैनेज करना है। अभी जो लोग टैरो रीडिंग काफ़ी वक्त से देख रहे हैं, वैसे किसी की भी देखें तो उनको रियलाइज़ होगा कि उनकी जो एनर्जीज है ना, उनकी जो सोच है उसमें, माइंड में स्टेबिलिटी आ गई। कोई भी चीज़ को ना उनको शॉक नहीं लगता है, किसी भी चीज़ का शौक नहीं लगता, काफ़ी ज़्यादा ना स्टेबल एनर्जी जैसे जैसे होती जा रही है ना, उनको पता है कि रीडिंग्स के लिए रीडिंग्स कितनी इम्पॉर्टेंट होती है, कितनी मायने रखती हैं। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। अनएक्सपेक्टेडली क्या हो सकता है? द चैरियट, द लवर्स, द स्ट्रेंथ एंड द टावर। बॉटम में देखा है द स्टार। टावर का कार्ड देख के डर गए क्या? नहीं, पहले कार्ड चैरियट का आया है, द स्ट्रेंथ, द लवर्स एंड स्टॉक। मैंने जब टैरो रीडिंग सीखी थी और तभी जब टावर कार्ड वगैरह सब दिखा था और जो डिस्ट्रक्शन दिखता था तो उससे डर जाती थी कि मतलब ये क्या है, क्यों है। तो लेकिन क्या है ना कि हम जिंदगी की नेगेटिव चीज़ों को, या बोलते हैं ना तकलीफ़ों को, एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते, हम देखना ही नहीं चाहते उसकी तरफ कि भाई नेगेटिव हो सकता है। ऐसा नहीं है कि नेगेटिव को सोचना है, नेगेटिव को एक्सेप्ट करना है, चलो ठीक है हो गया, इसको मैनिफेस्ट नहीं करना, ये बात है। तो सबसे पहली बात तो अच्छी बात करेंगे, आप देख सकते हैं चैरियट का कार्ड। चैरियट का कार्ड हमेशा मूवमेंट दिखाता है, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ डिटर्मिनेशन, स्ट्रांग, मतलब एक जो घोड़ा, एक जो सारथी, जो एक मतलब आपको दिशा, आपको जो डायरेक्शन मिलने वाली है, बहुत ज़्यादा मूवमेंट है। मुझे ऐसा लगता है ना कि जैसे कि अभी जो फुल मून की एनर्जी है काफ़ी ज़्यादा आप एक्टिव बहुत ज़्यादा लग रही है, आपकी मतलब जैसे एक दिमाग की बत्ती चल रही है, बहुत ज़्यादा ऐसा फील हो रहा है कि आपको ना बहुत ज़्यादा हैवीनेस फील होता है हार्ट में और सर में, स्पेशली थर्ड आई चक्रा में, बहुत ज़्यादा बहुत अजीब सी फीलिंग है आपकी कि बहुत थर्ड आई चक्रा में अचानक से पेन हो, माइग्रेन अटैक जैसा फील हो, बट नॉर्मल कंडीशन, मतलब आप नॉर्मल कंडीशन में है लेकिन अचानक से माइग्रेन काइंड ऑफ अटैक फील हो रहा है ऑल ऑफ अ सडन फॉर सम मोमेंट, और अचानक से आपके सामने कुछ फील हो रहा है, आपको लग रहा है कि अचानक से कि आपको लग रहा है कि सब कुछ जैसे बहुत ज़्यादा जो भी चीज़ चल रही है ना, अगर नेगेटिव सिचुएशन है लाइक आपके जॉब में, आपके करियर में, आपके बिजनेस में कुछ अच्छा नहीं चल रहा ना, अचानक से आपको लगने लगेगा, मैं धीरे धीरे से जैसे ही रीडिंग्स आगे बढ़ती जाएंगी आपको लगेगा कि ठीक है ना, जो भी है होगा, कुछ चीज़ें एक वक्त पे होती है बट होगी, लेकिन उसके लिए जो तैयारी करनी ना वो करना ज़रूरी है। ये एनर्जीज में आप ना शिफ्ट होते जा रहे हो, एक बैलेंस की एनर्जी है, एक कंट्रोल की एनर्जी है। यहाँ पे अगेन मुझे फील हो रहा है कि कुछ लोग हैं जो शिव भक्त है, महादेव को मानते हैं, और उनमें बहुत ज़्यादा चेंजेस है क्योंकि उनकी जो कॉन्सेंट्रेशन पावर है ना बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने वाले, स्ट्रेंथ, स्टैमिना बहुत ज़्यादा फील होने वाला है कि यहाँ पे आपकी जो
हिम्मत नहीं थी कोई भी चीज़ की डिसीजन लेने की, स्पेशली मुझे लग रहा है कि प्यार के मामले में वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा क्लियर होने वाली। आपको लग रहा था कि बस ये जो चीज़ ख़त्म हो गई है, जो एक्सेप्ट नहीं हो रही है मुझसे, या कुछ भी चीज़ की जो सेपरेशन है आपका लव लाइफ में, वो आपको बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है, उस चीज़ में आपको बर्दाश्त करने की ताकत मिलेगी, और यही चीज़ आपको एक अलग ही स्ट्रेंथ देगी और अलग ही आपको पॉसिबिलिटीज़ ऑफ न्यू ओपनिंग्स देगी। लवर्स का कार्ड दिख रहा है कि आपके अगेन रीयूनियन पॉसिबल है, जैसे कंटिन्यूस रीडिंग में आ रहा है कि रीयूनियन के चांसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, और मुझे लगता नहीं, ये थोड़ा यूनिवर्सल चेंज है, और माना कि सारे लोगों के रीयूनियन पॉसिबल नहीं है, लेकिन सिचुएशन में काफ़ी ज़्यादा आपको चेंज दिखाई देगा, जैसे कि अनब्लॉक होना और कॉल मैसेज तो आना, और कुछ लोगों के केसेस में वो ट्रैवल करके आपसे मिलने आने के चांसेस हैं। अभी हर चीज़ है ना एक ही चीज़ पे रुकी हुई है, वो है आपकी तरफ, और यहाँ पे अगेन आपकी जो यहाँ पे मुझे सिर्फ आपकी लव लाइफ में ही नहीं, कार्ड तो लव लाइफ के लिए आए हैं ज़्यादातर, बट आपकी लव लाइफ ही नहीं, मुझे आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी इम्प्रूवमेंट काफ़ी ज़्यादा है दिख रहा है, लिटरली दिख रहा है। तो आपको ना बहुत कुछ स्पिरिचुअल करवाया जा रहा है, स्पिरिचुअल करवाया जा रहा है, लिटरली स्पिरिचुअल और रिलीजन थोड़ा दो अलग चीज़ें हैं। स्पिरिचुअल आप सोल लेवल पे होते हैं, आपका किसी रिलीजन से कोई लेना देना नहीं, ये सिर्फ आपकी एक एक सोल की एक जर्नी है जो आप कंप्लीट कर रहे हो, वो फीलिंग होगी। आप डे बाय डे बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ फील करोगे आपकी सोच में, आपकी एनर्जीज में। कुछ लोगों की तबीयत खराब होने के चांसेस हैं डेफिनेटली, क्योंकि वो अपनी एनर्जीज बैलेंस नहीं कर पा रहे, और इसीलिए उनकी जो लविंग या लवर्स एनर्जी है वो भी डगमगा जा सकती है। तो इसीलिए आपसे सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर इंडिकेट कर रहा है कार्ड कि आपको अपनी एनर्जीज को स्टेबल रखना है, आपको बैलेंस की एनर्जी में लाना है, तो आपको स्पिरिचुअल होना पड़ेगा। आपकी जो हीलिंग प्रोसेस है, आपकी स्पेशली मुझे लग रहा है कि चक्रा हीलिंग प्रोसेस है, वो ज़रूर करिए किसी भी तरह से, तो वो उसके वजह से आपको बहुत अच्छे इफेक्ट आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, वरना आपको बहुत ज़्यादा निगेटिव स्टेट में जाने का मन करेगा, कि आपको लगेगा कि कुछ नहीं लाइफ में, डिप्रेशन जो एनर्जी फील होगी ये बहुत ज़्यादा निगेटिव इम्पैक्ट आपके पर कर सकता है, आपकी हेल्थ डाउन हो सकती है, आपको लगेगा कि बस मेरे में ताकत ही नहीं है इतनी आपकी, मतलब हो सकता है कि फिर वो वायरस अटैक वो कुछ भी आप फेस करें, क्योंकि आप मेंटली स्ट्रांग नहीं हो, इसलिए आपको फिजिकल अटैक भी हो सकता है। तो प्लीज़ इस एनर्जी से बचे। साइंस की बात करूं तो जेमिनाई स्ट्रांग है, कैंसर स्ट्रांग है, लियो स्ट्रांग है, पाइसिस एंड एक्वेरियस स्ट्रांग है। ये सिर्फ एक एनर्जीज की मैं बात कर रही हूँ, बस जस्ट बताने के लिए कि जिनको जानना होता है कि साइंस कौन से स्ट्रांग है उनकी बात चल रही है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, द एम्परर, द मून, राइट, वन किंग, किंग ऑफ पेंटिकल, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, द डेविल, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, द चैरियट, स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, फोर ऑफ पेंटिकल्स, तो फाइव ऑफ वैंड्स एनर्जी। मुझे लगता है ना ये फूल मून की एनर्जी आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा असर करने वाली है। अगर आपने स्पिरिचुअल नहीं हुए हैं, अपनी एनर्जी बैलेंस नहीं की है ना, तो आपके लाइफ में ना बहुत ज़्यादा मुझे ट्रबल दिखाई दे रहा है, और डिप्रेशन या निगेटिव एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा वर्कआउट करते हुए नज़र आ रही है। आप पता नहीं, मतलब एक्चुअली मैं आपको
अंधविश्वास की नहीं बात करूं, पर समाओ से लग रहा है कि कोई तो है जिसने आपके ऊपर, जैसे ना कुछ नेगेटिव एनर्जीज डाली हुई हैं, आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहती हूँ। वो मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रहा है। आप सॉल्ट बाथ लीजिए, अपनी एनर्जी स्पेस को क्लीन कीजिए, और नेगेटिव एनर्जीज क्लीन करने के जो भी उपाय कर सकते हैं ना, वो ज़रूर कीजिए, क्योंकि उस वजह से आपकी ना ग्रोथ रुकी हुई है। आपकी प्रोफेशनल लाइफ में मुझे बहुत ज़्यादा ग्रोथ नज़र आ रही है, कि जो चीज़ें काफ़ी अरसे से रुकी हुई थी वो बढ़ने के चांसेस हैं। हालांकि आपकी इनसिक्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, लेकिन ये जस्ट फेज़ है, ये जस्ट फेज़ है। ये जो है ना चीज़, वो सिर्फ एक कुछ वक्त का ना एक ग्रहण जैसा है, मतलब एक बस आपको ना एक टेस्ट पीरियड में डाला जा रहा है, आपकी सोच को, आपकी स्ट्रेंथ को परखने के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि डेफिनेटली आपकी तरफ एक नई शुरुआत है। आप क्लैरिटी चाहते हैं, वो क्लैरिटी आपको ज़रूर मिलेगी। फिर वो जैसे कि ना आपने कहीं जॉब के लिए, किसी बिजनेस के लिए, कुछ प्रपोजल्स के लिए वेटिंग पीरियड में है, तो वेटिंग मुझे अगेन ख़त्म होते हैं नज़र आ रहा है। आपको क्लैरिटी मिलने के चांसेस है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ फील हो रही है मुझे, कि आप बहुत क्लियर कट डिसीजन लेंगे। माना कि लोगों को लगेगा कि ये इंसान इतना गुस्से में क्यों है, या फिर इतना इतना रूडली की बात कर रहा है, लेकिन आपकी एनर्जी ना अभी कुछ गलत सलत बर्दाश्त करने के मोड में नहीं है, क्योंकि वो सब चीज़ आपने सह चुके हैं। आपने बहुत विश्वास कर लिया है, बहुत सदा सोच लिया दूसरों के बारे में, इवन लव लाइफ हो या फिर अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत कुछ सुन लिया, बहुत कुछ समझ लिया, बहुत कुछ समझ लिया, मतलब कि दूसरों को सहारा, सपोर्ट करना, सहारा देना, उनके लिए सोचना, सब कुछ कर लिया, लेकिन आपको निगेटिव असर ही मिले हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उनके लिए गलत सोच रहे हो, आप सिर्फ अपनी पोजिशन क्लियर करना अभी सीख रहे हो। मतलब एनर्जीज आपकी वैसे वैसे चेंज होती जा रही है, आप बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज, बहुत ज़्यादा स्टेबल हो रहे हो, जहाँ पे आप अपनी एक्सपीरियंस की वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनते जा रहे हो। वो इंसान मतलब ऐसे रूड नहीं, आप ऐसे लग रहे हैं कि क्लियर होते जा रहे हो, कि नहीं ये ठीक है, मतलब हर चीज़ अपनी जगह है, हर चीज़ अपनी जगह है, अभी स्टेबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, कि आप बैलेंस की एनर्जी में डेफिनेटली हो। तो आपकी लव लाइफ में मुझे काफ़ी ज़्यादा ट्विन फ्लेम और सोलमेट की वाइब दिखाई दे रही है, जहाँ पे इनकी तरफ से आप जो मूवमेंट्स है नहीं होने की वजह से, या उनकी तरफ से ऐसे जो बिहेवियर है ना, उनकी वजह से आपको लगेगा कि आपका दिल टूट रहा है, आपको धोखा मिल रहा है, आपको चीट कर रहे हैं, चीट इन द सेंस कि आपको जो आपका हक नहीं मिल रहा है, आपका बेसिकली आपको हक नहीं मिल रहा है, ऐसा फील होगा। लेकिन इमिजिएटली, मतलब जैसे जैसे आपकी एनर्जीज चेंज हो रही है ना फिलहाल, ऐसा जिस तरह से कार्ड्स के थ्रू ऐसा लग रहा है ना, जो रीडिंग्स देखने की वजह से, अभी आप ये सब चीज़ें ना बर्दाश्त करने के काबिल बन गए हो, कि अभी आपको पता है कि ये जस्ट टेम्पररी फेज है। ये जो बात दिल तोड़ रहे हैं या दिल दुखा रहा है, आपको भी वो फीलिंग नहीं होगी अगर आपने एनर्जीज चेंज करी हो, क्योंकि आप अभी बहुत ज़्यादा मतलब फाइनेंशियल स्टेबिलिटीज़ और अपने ऊपर काम कर रहे हो। आपकी करियर हो, आपकी ग्रोथ हो, आपकी स्टेबिलिटी क्या है, आपके लिए क्या सही है, आपकी मतलब आप प्रैक्टिकल वैसे ज़्यादा चीज़ों को देख रहे हो, तो आप अपनी प्रैक्टिकल दुनिया में स्टेबिलिटी या उसकी सिक्योरिटी के लिए ज़्यादा सोच रहे हो, रेदर देन आपकी प्यार की दुनिया के लिए। माना कि आप रीडिंग्स देख रहे हो, सब कुछ है, लेकिन आपका कंसंट्रेशन पूरा आपकी स्टेबिलिटी और करियर पे ज़्यादा फोकस है, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो चीज़ चले ना आपकी लाइफ में, जो भी धोखे मिल रहे हैं, जो भी तकलीफें दे रहे, आपकी इनसिक्योरिटीज़ है, ये सिर्फ एक टाइम की बात है, और इस मतलब एक दिन, एक ना एक दिन ये चीज़ें ना बदलने वाली है, और आपको पूरा यकीन है ये बदलेंगी ज़रूर, और वैसे ही होने वाला है। सिर्फ आपको अपनी एनर्जीज बचा के रखनी है, उसको बिगाड़ना नहीं, बैलेंस में लाना है। आपको हो सकता है कि आपकी वर्क प्लेस हो, या आपके पेरेंट्स के साथ हो, या फिर स्पेशली मुझे वर्क प्लेस पर ज़्यादा दिख रहा है, आपके स्पाउस के साथ हो, आर्ग्यूमेंट्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकते हैं, या आपके जो लव पार्टनर है, अगर आप टॉकिंग टर्म्स में आपके आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन आपको ना आर्ग्यूमेंट्स से बचना है, क्योंकि आर्ग्यूमेंट्स आपको मिसअंडरस्टैंडिंग की तरफ लेके जाने के चांसेस है। तो जस्ट बात करते वक्त आपको बहुत ज़्यादा सोच समझ के करना है।
आप बहुत निगेटिव एनर्जीज की वजह से एडिक्शन के इश्यूज में भी फंस सकते हैं। तो आप अपने आप को बहुत ज़्यादा लो फील करना बंद कीजिए। कुछ नहीं बिगड़ने वाला, कुछ नहीं बिगड़ना, सब फेज़, सिर्फ एक फेज़ की बात है, एक वक्त की बात है, ये वक्त भी गुजर जाएगा। इतना अरसे से आप इतनी तकलीफें झेलते आ रहे हो, बस अभी कुछ वक्त की बात है, सब कुछ जैसे अच्छा ही होने वाला है। ट्रैवलिंग का मौका मिल सकता है आपको, हो सकता है कि आपको कहीं ट्रैवल करना पड़े, चांसेस ज़्यादा लग रहे, चांसेस मुझे ज़्यादा लग रहे ट्रैवलिंग के, या कोई आके आपसे मिलने आ जाए कि ट्रैवल रिलेटेड हो। कि सेकेंडली मुझे शादी की कमिटमेंट भी लग रही है कुछ केसेस में, शादी और उसके रिलेटेड खबर भी आ सकती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना कि अगर शादी के मामले में डिसीजंस है या रीयूनियन के मामले में आपके जो डिसीजंस है ना, काफ़ी ज़्यादा सोच समझ के लीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कुछ एनर्जीज है जो सामने से है, जो आपके आप नहीं, आपके अलावा जो एनर्जीज है, जैसे वर्क प्लेस हो, आपके पार्टनर हो, स्पाउस हो, उनकी एनर्जी मुझे काफ़ी ज़्यादा स्टेबल नहीं लग रही। तो आप वापस हर्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, आपको लग रहा है मतलब आपको नेगेटिव माइंड स्टेटमेंट डाल सकते हैं। तो प्लीज़ बी केयरफुल, आपको सोच समझ के डिसीजन लेना है, कि जब तक आपको पूरी तरह अश्योरिटी नहीं होती कि आपने जो सोच रहे हैं वो सही है, कि सब एंगल से ना, इमोशनल हो या लॉजिकल, तो सब एंगल से अगर सही नहीं लगता तब तक आप आगे मत बढ़िए। आप यूनिवर्स का मैसेज है सक्सेस। तो अगर आप किसी चीज़ के लिए सोच रहे हैं, रीयूनियन के बारे में सोच रहे हैं, यूनियन के बारे में सोच रहे हैं, जो भी जॉब हो, करियर हो, बिजनेस हो, हर चीज़ के बारे में कोई भी सवाल हो आपका, उसके बारे में आपको सक्सेस मिलनी है, बट द ओनली प्रॉब्लम इज की एनर्जीज एबंडेंस, क्या बात है। विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, हाँ ये एग्जैक्टली चीज़ है, कि अभी का अभी आप स्ट्रॉन्ग डिसीजंस में मत जाइए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मतलब चीज़ें चेंज हो रही है आपकी तरफ से, लेकिन आप बोल रहे ना कि कुछ स्टेबिलिटी में अभी तक फील नहीं हो रही, अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, सब कुछ है, लेकिन मुझे कुछ लोगों के केसेस में 2-3 महीने का डिस्टेंस काफ़ी, मतलब एक डिस्टेंस नहीं आप वक्त लग रहा है, कि चीज़ें ना एकदम सॉलिड तरीके से आपके सामने आएगी। एंड डोंट स्टॉप, अगर आप मेडिटेशन कर रहे हैं, आप अपने पर काम कर रहे हैं, प्लीज़ डोंट स्टॉप आर ईयर फ्रॉम नाउ। तो कुछ लोगों केसेस में ईयर फ्रॉम नाउ, लेकिन ये चीज़ें मुझे नहीं लग रही है, ईयर फ्रॉम नाउ नहीं, बहुत जल्द ही 2-3 महीने में आपको एक स्ट्रॉन्ग अबंडेंस और सक्सेस आपकी तरफ एकदम स्ट्रॉन्ग अभी भी आएगा ही, डेफिनेटली आपकी अपॉर्चुनिटी सक्सेसफुल होते हुए देख रही है, लेकिन 2-3 महीने के अंदर है ना आप में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चेंजेस नज़र आएंगे, जैसे कि बहुत कुछ बदला हो, मतलब अपॉर्चुनिटीज अभी जो आ रही है ना, समझो वो एक सपोज 10 लेवल की है, लेकिन 2-3 महीने के बाद अपॉर्चुनिटीज आएंगी, वो सीधा फर्स्ट लेवल की, सेकंड लेवल की होगी, जो आपके लिए बहुत टफ भी होंगी, लेकिन आपको वो चैलेंजेस, आपको मतलब बहुत शॉर्ट टाइम में आपको वो पोजीशन हासिल करने में हेल्प करेंगे। तो ये थी रीडिंग, आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, क्योंकि लाइक करने से ही ये वीडियोस उन तक पहुंचते हैं जिनको गाइडेंस की ज़रूरत है, तो उनकी खातिर तो ज़रूर करिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।